एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है? मुर्गी ने जवाब दिया, वो चील है। वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अगर हम चील की तरह आकाश में बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चित्तकों के साथ जुड़ेंगे तो हम भी चित्तक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने की बजाय अपनी जगह से ही हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वो कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वो किन लोगों की संगत ना पसंद करता है। धन्यवाद।